कल SMO डॉक्टर भूपिंदर सिंह ने लोगों से अपने घरों से मास्क पहनकर बाहर निकलने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की थी, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जब हमारी टीम ने शहर का दौरा किया तो देखा गया कि लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे थे। इस बारे में जब सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर भूपिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोगों को इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिवें कि सबनों पता है कि हुण पूरे पंजाब च, पठानकोट च और इंडिया च भी सारे जो कोविड के केसिस घट हो रहे हैं, उस करके की हो रहा है कि लोग जोड़े वो लापरवाह हो गए और उन्होंने जिन्हें भी प्रिकॉशनस असी बार बार लोगों को कहने वो करनिया बंद कर दी है। मेरी रिक्वेस्ट है लोगों कि इस तरह ना करो, क्योंकि जिस तरह यूरोप सैकेंड पीक आई है, दोबारा सैकेंड जी वेव आई है, यह ना हो कि इंडिया भी बहुत छेती शुरू जी असं एक्सपैक्ट भी कर रहे हैं कि होर दो तीन महीने तक आ सकती है। सो इसलिए अगर असी प्रिकॉशनस पूरी लवेंगे तो ही असी कोविड तो बचा कर सकते हैं। स्पेशली जिहड़ा मास्क पाना, सोशल डिस्टेंस रखना और नाल हैंड वाशिंग करना, ये जरूर करो और किसी भी जी है लापरवाही ना करो। डिसिप्लिन लाइफ जी बहुत जरूरी है ताकि असी इनू जिहड़ा है पूरी तरह नाल कोविड नू मात दे सकीए। सर, सर्दियां आ रही ने इहदे नाल इम्यूनिटी सिस्टम ते कोई फर्क पैंदा? डेफिनेटली जदों जिहड़े जिस तरह असी हमेशा देखते हैं कि जिन्हें भी रेस्पिरेटरी वायरसिज है, जिन्हें भी फ्लू केसिज है वो सारे जिहड़े सर्दियों के ज़्यादा होंगे, उहदे कुछ रीजनस होंदे आ, क्योंकि जिहड़ा नोज़ दे विच जिहड़ियां इम्यूनिटी दा भी प्रॉब्लम होंदी है, नाले जिहड़े नोज़ दे विच जिहड़ियां सेक्रेशंस ज़्यादा देर होंदी है। सो इसलिए इन्हां सारियां चीज़ां नूं देखते हुए सर्दियां दे विच खास तौर ते हुण जिहड़े अगले 3 महीने इहदे विच बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जरूरी है। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere.